एक शहर जहां भक्ति प्रदर्शन के सद्भाव से शोभा यात्रा निकाली जाती है, लेकिन वो भक्ति प्रदर्शन को चंद मिनटों में ही शक्ति प्रदर्शन में बदल जाता है और एक भयानक रूप ले लेता है। और वो रूप इतना भयानक हो जाता है कि जिसमें लोगों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सांप्रदायिक दंगों की प्रयोगशाला मेवात के बारे में। आज द नगरी आपको बताएगी मेवात हिंसा की जमीनी सच्चाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सद्दिका मनोहर सोनी। मेवात वो इलाका जो दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर है, जहां अभी 4 दिन पहले हरियाणा के नू मेवात इलाके में सोमवार को एक धार्मिक यात्रा निकलने के दौरान दो समुदाय के बीच हिंसा हो गई थी। हिंसा में पहले 2 होमगार्ड समेत 5 लोगों की मौत हो गई। भड़की हिंसा की आग गुरुग्राम तक भी फैल गई, जहां एक मस्जिद के इमाम की हत्या कर दी गई और इसके अलावा एक भोजनालय को भी आग लगा दी गई। साथ ही दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई। वही पलवल में भी तनाव देखने को मिला, जहां 25 झोपड़ियों में भी आग लगाई गई। हिंसा में दावा किया गया कि भीड़ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। मंदिरों को घेरने के बाद मजहबी नारे लगाए जा रहे थे। भीड़ अवैध हथियारों से पुलिस पर फायरिंग और पथराव भी कर रही थी। लेकिन उसके बाद यह हिंसा देखते ही देखते नू से सोहना, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल तक पहुंच गई। आपको बता दें, अब तक 5 जिलों में 93 FIR दर्ज की गई है और 176 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन हिंसा के बाद हालात काबू में आने के बजाय दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही गए, जिसके बाद फिर से हरियाणा के कई इलाकों में हुई हिंसा के बाद आज शुक्रवार की नमाज से पहले राज्य की अलग अलग जगहों पर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। साथ ही हिंसा के बाद हरियाणा में कई जगहों पर आज खुले में जुमे की नमाज नहीं पढ़े जाने के भी आदेश दिए गए। नू में हुई हिंसा के 4 दिन बाद भी राज्य के 4 जिलों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिसके चलते प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। इस हिंसा को लेकर भारत में धार्मिक शोभा यात्राएं और जुलूस को लेकर आज एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जो अब भक्ति प्रदर्शन का नहीं शक्ति प्रदर्शन का रूप लेती जा रही है। ये शोभा यात्राएं एक धार्मिक रैली बन जाती है और इनके सहारे कुछ कट्टर लोग धार्मिक अहंकार में चूर चूर होकर तोड़ फोड़ पर उतर आते हैं। आपको बता दें, हर धर्म में शोभा यात्रा और जुलूस निकालने की परंपरा शुरू से रही है और सैकड़ों वर्षों से लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए ऐसा करते हैं। लेकिन अब समय बदल गया है, स्थिति बदल गई है और अब इन धार्मिक शोभा यात्रा और जुलूसों का सिर्फ एक ही मकसद रह गया है। इनका मकसद होता है दूसरे धर्म और समुदाय के लोगों को अपनी ताकत दिखाना, उन्हें नीचा दिखाना, उन्हें भड़काना, उन्हें ये बताना कि आज का दिन मेरा है और आज मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको बता दें, पिछले 1 हफ्ते में देश में 12 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई है जिनमें मोहर्रम के जुलूस या कावड़ यात्रा या फिर दूसरी शोभा यात्रा में ऐसी सांप्रदायिक हिंसा हुई, क्योंकि इन यात्राओं का भक्ति प्रदर्शन नहीं शक्ति प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन इस हिंसा को लेकर हम हर धर्म के लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं कि जब भी आप अपनी शोभा यात्रा निकालते हैं तो उसमें भक्ति प्रदर्शन कीजिए, शक्ति प्रदर्शन नहीं। धन्यवाद।